अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में आपदा से निपटने के लिए बाल स्कूल मैदान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा को लेकर पूरी मॉक ड्रिल की गई। सुबह 8:45 पर हूटर बजाया गया और बस अड्डे पर भवन गिरने की सूचना मिली, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई और लोगों को बचाया गया। इस मौके पर DC हरकेश मीणा, SP अरजीत सिंह के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। हमीरपुर में आपदा से निपटने के लिए बाल स्कूल मैदान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा को लेकर पूरी मॉक ड्रिल की गई। सुबह 8:45 पर हूटर बजाया गया और बस अड्डे पर भवन गिरने की सूचना मिली, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई और लोगों को बचाया गया। इस मौके पर DC हरिकेश मीणा, SP अजित सेन के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। DC हरिकेश मीणा के अनुसार 5 जगहों पर जिला में मेगा मॉक ड्रिल की गई। DC हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि मेगा मॉक ड्रिल को लेकर पूरी तैयारी की गई थी और 5 जगहों पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ एक्सरसाइज की है। उन्होंने बताया कि पूरी मॉक ड्रिल सफल रही है और कुछ कमियां सामने आई हैं, जिन्हें आगामी दिनों में पूरा किया जाएगा। हरिकेश मीणा ने बताया कि लोगों की सहभागिता और बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाकर जागरूकता लाई जाएगी। मॉक ड्रिल सभी डिस्ट्रिक्ट में थ्रू आउट स्टेट हुई थी, तो इसमें एक 3-4-5 जगह पे सीन क्रिएट किए गए थे, जैसे सुजानपुर में भूकंप की वजह से जैसे बिल्डिंग्स को नुकसान होना, फिर जैसे ब्यास नदी पे नादौन पे डैमेज होना, SP ऑफिस में फायर का लगना, या जैसे ट्रांसपोर्ट सब स्टेशन है हमीरपुर में उसका डैमेज होना, तो इस तरह से सीनरी क्रिएट की गई थी। और जैसे रिजॉर्ट्स का, तो उसमें हम लोगों ने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य ये होता है कि उस प्लान को हम लोग ग्राउंड पर लाने की कोशिश करते हैं और जहाँ वीकनेसेज होती हैं उसको फिर रेक्टिफाई करके डीब्रीफिंग के थ्रू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी रही और देर आर पॉइंट्स जिस पर हम लोग बैठ के डीब्रीफिंग करेंगे। इस तरीके से कोई कमियां नहीं थी, ऑपरेशन सेक्शन हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया, प्लानिंग में भी कोई इशू नहीं था। डिफरेंट जगह पे ऑफिशियल्स का डिफरेंट रोल रहते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो थोड़ा सा इशू था कोऑर्डिनेशन में, तो वी विल वर्क ऑन दैट वन। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का जैसे हम लोग बीच बीच में एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, जैसे स्कूलों में तो करते रहते हैं, जैसे मार्केट में, क्योंकि इस बार सीन हमने जो 5 प्लेसेज पे करवानी थी उस इस बार वो चीज़ नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से भेजनी है, इस बार स्टेट की तरफ से ही आया कि आपके पास ये सीन है और मतलब दे सेंड इट, मतलब कल शाम को भेजा और टाइमिंग नहीं थी, तो सुबह मतलब 8:35 पे उन्होंने कम्युनिकेट किया कि एट दीज प्लेसेस दीज इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स घटित हुई हैं, आप उसमें कार्रवाई करें। तो हम लोगों ने फिर 5 या 10 मिनट जो गैप होते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पर इकट्ठे होके, फिर जो लॉजिस्टिक सेंटर होता है, फिर ऑपरेशन जो टीम थी या प्लानिंग थी उसमें हमने उसको कोऑर्डिनेशन करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया हुआ था, जिसके अंतर्गत कुछ डिपार्टमेंटों ने ये आज इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया और नगर परिषद ने भी आज इस मॉक ड्रिल का अध्ययन किया, रिहर्सल की, जिसके अंतर्गत नगर परिषद हर समय शहर में कोई घटना हो जाए या दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए तैयार रहती है, उसकी रिहर्सल के लिए आज ये जो मॉक ड्रिल वो की गई और देखा गया कि हम इन कार्य के लिए बिल्कुल 100% तत्पर हैं। हमारे कर्मचारी सारे जिनके अपना अपना स्थान है अपने अपने कार्य के लिए इस घटना दुर्घटना को रोकने के लिए बिल्कुल हर समय 24 घंटे तैयार हैं, ऐसा पाया गया।